सभी को, और यहाँ पर जो आज पधारे हुए मेरे भाइयों, बहनों, युवा मित्रों, किसान भाइयों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं कर्नाटक से आता हूँ जहाँ पर हमारी भाषा कन्नड़ होती है, और मुझे यहाँ पर आपको संबोधित करने में थोड़ा अपने शब्दों में थोड़ा सा व्यत्यास भी हो सकता है, लेकिन उतना तो गड़बड़ी मैं नहीं करूँगा जितना हमारे नेता लोग दूसरे करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी बात को बताने का, और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने इस देश में शुरू किया, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उनका जाने का जो इरादा तय करके रास्ते पे निकले, वो अब तक 3,120 किलोमीटर उन्होंने कंप्लीट किया है। देश में ऐसे कम लोग होते हैं, वो भी खासकर इस युग में। बहुत से युग चल नहीं पाते, और उसूलों के लिए लड़ने वालों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। जैसा कि बिहार एक जमाने में माना जाता था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने उसूलों पर चलकर इस बिहार की तरक्की की थी, खासकर श्री बाबू जो सबसे ज्यादा दिन साल उन्होंने मुख्यमंत्री पद पे रहा, और बहुत से नए नए चीजों को, तरक्की के चीजों को इस बिहार में लाया, और उनके साथ और भी कांग्रेस के 3-4 बड़े चीफ मिनिस्टर यहां हो गए, और उसी के साथ नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में भी जो केंद्र में 32 साल तक जगजीवन राम जी अपना एडमिनिस्ट्रेशन में कामयाबी के साथ हाथ बटाए, तो ऐसी धरती है। एक तरफ पॉलिटिकल लीडर्स, एक तरफ भगवानों की धरती। अब यह ये तो स्थान बहुत मशहूर है, और इस स्थान के वजह से यहाँ लाखों लोग आते हैं, यहाँ के भगवान के दर्शन लेते हैं, और इससे आगे बढ़ के भी महात्मा गांधी जी का एक मोहनदास करमचंद गांधी जी से जो महात्मा बने, वो भी बिहारी है, चंपारण का
चंपारण का सत्याग्रह और यहां पर से जो कांग्रेस पार्टी का एक एजिटेशन शुरू हुआ, जैसा कि आज भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वैसा चंपारण सत्याग्रह ये महात्मा गांधी जी की वजह से चला। और यही धरती है जहां पर महावीर पैदा हुए, यही धरती है जहां पर गौतम सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया, ये भी बिहार का ही। तो बिहार ऐसा है कि दुनिया को रोशनी देने वाला जगह है, मार्गदर्शन करने वाला ये स्थान है, लेकिन यहां के लोग मजदूरी के लिए, पेट भरने के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि यहां पर कोई कारखाने नहीं है, कोई बड़ा जो लोगों को, युवकों को काम मिले, ऐसा कोई यहां पर कारोबार नहीं है। और आज की सरकार तो ये सिखाती है युवकों को, सबको नफरत का मार्ग दिखाती है, लोगों को नौकरी नहीं देती। और आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, पूछो मत, आसमान छू रहे हैं। और हमारी आर्थिक स्थिति दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है। और मोदी जी हमेशा हमको कहते हैं, भाई कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या की। अरे अगर हम 70 साल में कुछ नहीं करते तो मोदी जी आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते थे। पचास पचास साठ साठ गाड़ियां लेके जो आज घूम रहे हो, ये कांग्रेस की देन है, क्योंकि कांग्रेस ने जमहूरियत को बचाया, कांग्रेस ने संविधान को बचाया, इसीलिए आज आप जैसे आदमी प्रधानमंत्री इस देश के बने, और मेरा जैसा है गरीब का बेटा भी अपोजिशन लीडर और AICC प्रेसिडेंट होकर आपके सामने है, ये हमारी देन है। आप कुछ नहीं किए, आप ना देश को आजादी दिलाए, आप देश के लिए लड़े नहीं, आपके कोई आदमी जेल नहीं गया, आपका आदमी कहीं ब्रिटिश के खिलाफ हाथ नहीं उठाया, सब कुछ कांग्रेस ने किया, देश को आजादी दिलाई, देश की तरक्की के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 5 ईयर प्लानिंग के साथ देश को आगे बढ़ाया। एम्स किसका है, IIT किसके हैं, मेडिकल कॉलेज किसके हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनाया? आज जो बहुत से टेक्नोक्रेट हमको दिखते हैं देश के अंदर और देश के बाहर, और जब मोदी जी जाते हैं वहां बहुत से डॉक्टर इंजीनियर्स वो तालियां बजाते हैं, वो कौन है? अरे जिनको हमने विद्या दी, जिनको हमने ग्रेजुएट बनाया, जिनको हमने इंजीनियर बनाया, वही लोग आपका स्वागत वहां करते हैं। वो तो आपके जमाने में तो नहीं बने आप,
लेकिन उसको आप गुमराह कर रहे हैं, उनको कुछ गलत सलत बोलकर हेट की पॉलिसी, एक दूसरे के खिलाफ समाज को तोड़ना, धर्म के नाम से अलग करना, गरीबों को कुचलना, ये काम बीजेपी का है। हमारा काम सबको जोड़ना है, भारत जोड़ो। इसीलिए ये यात्रा यहां से प्रारंभ हम किए हैं और ये कम से कम 1200 किलोमीटर ये चलने वाला है। बोधगया में और बोधगया में इसकी आखिरी समापन होगा। तो ये काम हम करते हैं, शांति से लड़ते हैं, लोगों को आज उनके जो तकलीफात हैं, आज जो इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, ये आवाज कांग्रेस पार्टी उठा रही है, लेकिन बीजेपी हमेशा झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ। अरे हम अगर जिंदा रहे तो ही आगे बढ़ेंगे ना, पेट भर गया तो ही भगवान की भी पूजा याद आती है, पेट खाली तो भगवान भी याद नहीं आता। क्योंकि ये हमेशा आदमी जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है, नहीं पानी पीना जरूरी है या नहीं है? तो जब खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, जिंदा रहना जरूरी है, तो भाई हाथ को नौकरी तो दो जिंदा रहने के लिए। नए नए स्कीम लाए यहां के नौजवान, में देखा एक साल पहले बहुत बड़ा वो आंदोलन हुआ अग्निवीर का। देखो साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, इस देश में 30 लाख सरकारी नौकरी खाली है। कितने? 30 लाख। वो रेलवे में 3,50,000, डिफेंस में, पैरामिलिट्री में, एजुकेशन में, और जो एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं जो सरकार पैसा देती है, वो सबको अगर आप कन्याकुमारी से दिल्ली तक या दिल्ली से कश्मीर तक गिनेंगे तो 30 लाख सरकारी नौकरी है। अरे परमानेंट नौकरियां दो, क्यों हमारे युवकों को आस दिला रहे हो? अग्निवीर लो कितने साल के लिए? चार साल के बाद क्या करना? वो भुट्टे बुनना, पकोड़ा। तो अगर देश के लिए नौजवानों को ऐसी स्थिति करेंगे, ये 30 लाख क्यों नहीं भर रहे, मैं पूछ रहा हूं। अब मैं देखा जब अपने इसमें टीवी पे हमारे प्रधानमंत्री जी ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर, 71,000 लोगों का जो अपॉइंटमेंट किए थे हर डिपार्टमेंट में, तो उसका सर्टिफिकेट बांट रहे थे। अरे भाई अपॉइंटमेंट तो अंडर सेक्रेटरी करके भेजता है, सेक्शन ऑफिसर करके भेजता है, वो प्राइम मिनिस्टर देने की क्या आवश्यकता है? ऐसा तो हर साल लाखों वैकेंसीज आते हैं, लाखों वैकेंसीज भर्ती होते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं किया। बेंगलुरु में आते हैं 71,000, दिल्ली में आते हैं 75,000, ये बढ़ते जा रहे हैं सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट बांटने वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप तो पहले कहते थे हर साल अगर आप मुझे चुन के लाएंगे तो मैं हर साल
2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कितने? 2 करोड़। मिला क्या आपको? नहीं मिला। मैं समझा बिहार लोग लड़ाकू है, यहाँ पर लड़ के लिए होंगे समझा था। हम कर्नाटक में तो नहीं मिला हमको, आपको तो मिला समझा था। नहीं मिला। फिर उसके बाद बोले मुझे चुन के लाओ, मैं गरीब आदमी हूँ और मुझे चुन के अगर लाएंगे तो विदेश में जो काला धन है वो लाकर 15-15 लाख आपके जोब में डालूंगा, हर घर को दूंगा। दिए? फिर अब आप बोलिए क्या मोदी साहब झूठे हैं, क्या हम झूठे हैं? आप अंदाजा। लेकिन फिर भी मोदी को क्यों नौजवान लोग वोट डाल रहे समझ में नहीं है। ये क्या हो रहा है इस देश में? हम तो देश के लिए लड़े, आजादी लाए, डेवलपमेंट किए, बहुत से कारखाने बनाए, सब कुछ किए, लेकिन चंद लोग वो मोदी मोदी बोलते हैं। अरे मोदी ने तो देश को बर्बाद किया, अब और एक सर्टिफिकेट लेके फिर रहे वो मोदी जी। परसों डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, नोटबंदी, क्या बोलते हैं, नोटबंदी है ना, नोटबंदी। सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया, जजमेंट आने के बाद वो बीजेपी के लोग हर टीवी में जाना, देखिए नहीं हम जो किए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। अरे बाबा, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से अगर ड्राइवर ठीक ढंग से गाड़ी नहीं चलाता तो एक्सीडेंट हो जाता है, वैसा नोटबंदी करने का हक सरकार को है। लेकिन आपने जो गलत तरीके से किया उसके वजह से हमारे माँ बहनों, छोटे मोटे व्यापारियों का, सबका नुकसान हुआ, देश को आर्थिक व्यवस्था उसकी बिगड़ गई। लेकिन आप वो सर्टिफिकेट बता रहे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इसीलिए हम जो किए वो ठीक है। कोई आपके सरकार के अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया, चैलेंज इस बात का हुआ अरे भाई नोटबंदी करने से देश का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, यह हमने कहा, इससे उद्योग जाएंगे, गरीब लोग परेशान हो जाएंगे, किसान परेशान हो जाएगा, माँ बहने जो हमारे बचा के रखे थे वो खत्म हो जाएगा, ये हमारा कहना था, ये पीड़ा हमने बताई। लेकिन मोदी जी बीजेपी कभी नहीं सुनी, तो इसीलिए देखिए बिहार से खाद गायब हो, अब सब एक एक करके गायब हो जाएगा। अगर मोदी ऐसा ही करते रहेंगे और आप बर्दाश्त करते रहेंगे तो उंगली दिए तो आदमी को निगल लेते हैं वो। ऐसे ऐसी बीजेपी पार्टी है, इसीलिए